हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। दिस इज शिवांशु। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने राइजर डिजाइन का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कास्टिंग टेक्निक्स, राइट? हेलो पंकज। एलन, वो क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, क्लास खत्म होगा जब उस समय, ठीक है ना? अभी हम लोग कास्टिंग टेक्निक्स स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन वैसे मैंने जो उसमें सोल्यूशन भेजा था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, आप समझ सकते हो खुद ही उसको। उसमें कुछ ज्यादा कुछ था नहीं उस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी कास्टिंग के बारे में पढ़ा है, वो जितने भी उसके एलिमेंट्स होते थे वो सभी के बारे में अलग अलग हम लोगों ने डिस्कस किया है। सभी का अलग अलग डिजाइन के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है? अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कास्टिंग की कितनी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती है, किस तरीके से हम लोग कास्टिंग को डेवलप करते हैं इन एनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट? तो देखो, बेसिकली हम लोग जो कास्टिंग टेक्निक्स है उसको हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें आएंगे एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग्स, राइट? सेकेंड नंबर पे आएगा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और थर्ड नंबर पे आएगा कंटिन्यूअस कास्टिंग्स। ओके, ये सभी अलग अलग प्रकार की कास्टिंग है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्निक्स, राइट? तो देखो, जो एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग होता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने सैंड कास्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। सैंड कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग मोल्ड बनाते हैं उसको हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं वंस अवर कास्टिंग इज कंप्लीटेड, राइट? और इसी तो ये इस तरीके की जो भी कास्टिंग्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल कास्टिंग्स बोलते हैं। तो इसमें से एक टाइप जो है सैंड कास्टिंग, इसके बारे में तो हम लोगों ने वैसे अभी तक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग एंड CO2 मोल्डिंग। ये चार मेथड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग टेक्निक है वो है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग क्या हो गई? परमानेंट मोल्ड कास्टिंग वो कास्टिंग्स होती हैं जो कि कई बार मतलब मीन्स मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जो भी हमारी मोल्ड होती है वो मेटल की बनी होती है, राइट? तो उसको बार बार हम लोग ब्रेक डाउन नहीं करते और उसका उपयोग हम लोग कई सारी कास्टिंग्स को रिपीटेडली सेम टाइप की कास्टिंग को बार बार बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग कौन कौन सी यूज करते हैं, तो एक हो गई डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, ठीक है? तो ये तीन मेथड्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले। इसके बाद लास्ट है कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग वो कास्टिंग होती है, देखो, जिसमें कि क्या होता है कि जैसे कोई लॉन्ग रॉड हो गया हमारा, है ना? तो इस टाइप की जो भी कास्टिंग होती है जो काफी लॉन्ग लेंथ की होती है वो सब हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग के थ्रू डिजाइन करते हैं, ठीक है? तो
देखो एक बार मैं डिफिनेशन को पढ़ देता हूँ एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग की। तो विद एक्सपेंडेबल मोल्ड प्रोसेस द मोल्ड्स आर डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू रिमूव द कास्टिंग। टाइपिकल मोल्ड मटेरियल इंक्लूड सैंड प्लास्टर सिरेमिक मिक्स्ड विद बॉन्डिंग एजेंट। क्लियर हुआ कि जो भी सैंड और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं उससे बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, राइट। एंड परमानेंट में क्या है, विच आर मेड ऑफ मेटल दैट मेंटेन्स देयर स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। दे आर यूज्ड रिपीटेडली एंड आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द कास्टिंग कैन बी रिमूव्ड इजली एंड आर यूज्ड फॉर द नेक्स्ट कास्टिंग, ठीक है ना। मेटल मोल्ड्स आर बेटर हीट कंडक्टर देन एक्सपेंडेबल नॉन मेटेलिक मोल्ड्स, दस दे आर दे हैव हायर कूलिंग रेट्स, ठीक है ना। क्योंकि मेटल का क्या होता है कि हीट ट्रांसफर रेट कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, बेटर हीट कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो एक्सपेंडेबल में हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, सेल मोल्डिंग की। तो देखो सेल मोल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न होता है वो कैसा होता है, मेटालिक पैटर्न होता है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है कि जो पैटर्न मटेरियल होता है वो कैसा होता है, मेटालिक पैटर्न होता है, ठीक है ना। राइट इसके बाद क्या किया जाता है, और जो मोल्ड मटेरियल होता है वो क्या होता है, मोल्ड मटेरियल क्या क्या होता है, देखो इसमें सबसे पहले तो फाइन ग्रेन सिलिका होती है, और इसमें और क्या मिक्स होता है, फिनोलिक रेजिन, ये फिनोलिक रेजिन क्या काम में आता है, देखो फिनोलिक रेजिन क्या होता है कि जब हीटेड होता है तो ये बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को हमारे मेटल की वो हमारे जो भी मोल्डिंग है उसकी इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिनोलिक रेजिन होता है इसके अलावा हम लोग यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें होता क्या है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना क्लियरली, कि थोड़ा जूम कर दो। देखो ये स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा मेटालिक पैटर्न होता है उसको हम लोग एक बॉक्स में या जिसको हम लोग फ्लास्क बोलते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप कर देते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें कर रखा है स्टेप वन में, क्या कर रखा है स्टेप वन में कि जो भी हमारा ये मेटालिक पैटर्न है उसको इसने इस फ्लास्क के थ्रू क्या किया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको देखो अपसाइड डाउन कर दिया है, ठीक है ना। और इसी समय इसको क्या करते हैं हम लोग अराउंड 175 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप कर देते हैं। किसको हीटअप कर देते हैं, इस मेटालिक पैटर्न को, ठीक है ना। तो जब इसको हम लोग हीटअप कर देते हैं 175 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या होता है कि जो भी हमारा ये रेसिन मटेरियल है ये क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, क्लियर। जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो मोल्ड सैंड है इसके चारों तरफ, देखो स्टेप टू में ये जो मोल्ड सैंड है इसके चारों तरफ वो क्या होती है, इस मेटालिक पैटर्न से स्टिक हो जाती है, क्लियर। अच्छा जब ये मेटालिक पैटर्न इससे स्टिक होने लगती है ड्यू टू द बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेसिन मटेरियल, तो क्या होता है कि एक सफिशियंट टाइम तक इसको हम लोग कॉन्टेक्ट में रखते हैं, ठीक है ना। फिर जब एक सफिशियंट थिकनेस की हमें सेल मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर से हम लोग अपसाइड डाउन कर देते हैं इन स्टेप नंबर थ्री, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर थ्री में हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब एक सफिशियंट थिकनेस की हम लोगों को मोल्ड कैविटी मिल जाती है तो एक्चुअली एक तो सेल होती है, मोल्ड सेल बोलना चाहिए इसको। तो ये पैटर्न की जो चारों तरफ सिलिका ग्रेन्स
चिपक गए हैं उसकी वजह से, तो वो क्या करते हैं कि जब एक सफिशियंट थिकनेस की मिल जाती है तो इसको हम लोग स्टेप थ्री में क्या करते हैं कि फिर से अपसाइड डाउन कर देते हैं, तो जो बची हुई सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं इस क्या बोलना चाहिए पैटर्न से, और एक हम लोगों को पतली पतली उसके चारों तरफ हम लोगों को क्या होता है सैंड की सेल मिल जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग फिर से अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड हाँ बिल्कुल एलन उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए तभी वो उससे चिपकेंगे, ठीक है ना। कोहेसिव भी होनी चाहिए प्लस अधेसिव भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये अलग तरीके के मटेरियल के साथ चिपक रहा है ना, है ना। तो एक तो इसको खुद के साथ भी चिपकना है प्लस दूसरे भी मटेरियल के साथ चिपकना है, तो इसकी दोनों प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं भी क्या बता रहा था स्टेप फोर में हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब एक बार सफिशियंट थिकनेस की हम लोगों को सेल मिल गई है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि फिर से हीट अप करते हैं अराउंड कितने टेम्परेचर था 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसको हम लोग फिर हीट अप करते हैं। और इसको जब हम लोग सेकेंड स्टेप में हीट अप करते हैं मतलब स्टेप नंबर फोर्थ में हीट अप करते हैं तो ये सेल इससे क्या होती है अलग हो जाती है, ठीक है ना। और जब ये सेल इससे अलग हो जाती है तो इसी तरीके की हम लोग क्या करते हैं कि दो तीन सेल जितने रिक्वायर्ड साइज की हम लोगों को मोल्ड कैविटी चाहिए उन सबको हम लोग क्या करते हैं देखो जैसे स्टेप नंबर फाइव पे है उसको हम लोग एक अलग से फ्लास्क में क्या करते हैं उन सबको रख लेते हैं उनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और फिर जब जोड़ने के बाद क्या होता है हम लोगों को रिक्वायर्ड कैविटी मिल जाती है। जैसे देखो स्टेप फोर में जो ये सेल हम लोगों को मिला हुआ है सैंड का देखो इस तरीके की दो सेल्स को इसमें इसने क्या किया हुआ है जोड़ दिया है ना। और इनको जोड़ के इसने क्या किया है एक रिक्वायर्ड मोल्ड कैविटी इस डिजाइन की इसको मिल गई है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया नॉर्मली जैसे हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं चारों तरफ इसके सैंड रख देंगे और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे मोल्टेन मेटल पोर करके इसमें, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब देखो एक बार मैं फिर से जल्दी से क्विकली रिपीट कर दूं आपको जिससे स्टेप्स याद ही हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी पैटर्न था हीटेड पैटर्न था एक्चुअली ये हीटेड पैटर्न था देखो यहां लिखा भी हुआ है हॉट पैटर्न। इसको हम लोग क्या किए हैं कि मोल्ड बॉक्स के साथ हम लोगों ने क्लैंप कर दिया है, ठीक है ना। फिर ये इस हीट को ये हीट जब इस सैंड पे इसको हम लोगों ने फिर क्या किया उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो जो भी सैंड थी बॉक्स में वो इस पैटर्न के कॉन्टेक्ट में आ गई, ठीक है ना। और जब इसके कॉन्टेक्ट में आ गई तो क्या हुआ कि जो भी ये हीटेड जो हीट थी वो इस सैंड में ट्रांसफर हुई और जब ये हीट सैंड में ट्रांसफर हुई तो जो सिलिका जेल वो जो फाइन फिनोलिक रेसिन था वो क्या हुआ एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है ना, जिससे इसकी क्या हुई बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर एक सफिशियंट थिकनेस की जो हम लोगों को सेल मिल जाती है तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं हीट अप करके उसको रिमूव कर देते हैं। फिर दो तीन सेल्स जितने हम लोगों को साइज की मोल्ड कैविटी चाहिए होती है उस साइज का फिर हम लोग उसको हम लोग जोड़ के रिक्वायर्ड शेप की कैविटी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए। हाँ एलन एक्सपेंसिव है लेकिन इससे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। देखो कौन कौन से प्रोडक्ट इससे हम लोग बनाते हैं इसके अगर एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो वैसे इसमें मैंने लिख दिया होगा कहीं, देखो ये नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस इसके कौन कौन से हैं क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल हेड, बॉक्स ऑफ इंजन, गियर बॉक्स, हाउसिंग, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, बल्ब बॉडी एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर हुई बात। देखो क्या है एलन इसमें दो तरीके की हम लोग सैंड को यूज कर रहे हैं, एक तो हम लोग यूज कर रहे हैं इस सेल को बनाने के लिए उसमें हम लोग कौन कौन सी फाइन ग्रेन सिलिका फिलोनिक रेजिन को यूज कर रहे हैं, समटाइम्स इसमें अल्कोहल भी मिक्सअप किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद वाली जो सैंड है वो तो नॉर्मल सैंड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की फर्स्ट टाइप ऑफ सेल मोल्डिंग।
ठीक है। बाकी जो भी स्टेप्स मैंने आपको समझाया है वो स्टेप्स मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड इसमें मैंने लिख दिया है, ये मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको फिर आप लोग रीड आउट कर लीजिए। बाकी स्टेप्स तो समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, देखो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इसके एप्लीकेशन से, ठीक है ना। पहली चीज अपने को ये याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है अपने को, इसमें पैटर्न का मटेरियल क्या होता है इस चीज को याद रखना है, मोल्ड का क्या मटेरियल होता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, अल्कोहल भी ऐड करते हैं, ठीक है ना। हो क्या पता कभी पूछ ही दे, इसको लिख देता हूं मैं, अल्कोहल भी हम लोग ऐड करते हैं, अल्कोहल, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग हम लोग बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस। देखो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या लॉस्ट वेक्स कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनट इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो स्टेप सारे इसके भी इसी फिगर के थ्रू, क्लियर दिख रहा है ना फिगर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पैटर्न मटेरियल होता है वो पैटर्न मटेरियल काहे का होता है, बेसिकली हम लोग वैक्स का पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग किस चीज का मटेरियल का यूज करते हैं पैटर्न, सबसे पहले तो मैं वही लिख देता हूं। देखो पैटर्न मटेरियल कौन सा है, पैटर्न मटेरियल है वैक्स, क्लियर। नेक्स्ट जो मोल्डिंग मटेरियल, पहली चीज तो सिलिका, इसके बाद हो गया वाटर और एथाइल सिलिकेट, तो देखो इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों का पैटर्न होता है उसको हम लोग, वो एक पहली चीज तो वैक्स का बना होता है, ठीक है ना, और इस वैक्स को हम लोगों को मैनुअली रिमूव नहीं करना रहता है, ठीक है ना। इस वैक्स को हम लोगों को मैनुअली रिमूव नहीं करना रहता है। वो क्या होता है, जैसे हीट अप करते हैं हम लोग तो वो वैक्स क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम लोग फिर रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, वो उस लिक्विड मटेरियल को। हाँ एलन, जो पोर्शन मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ क्लास में वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, नोट्स में उतना ही मिलेगा जो कि इधर लिखा रहता है, ठीक है ना, प्रिंटेड फॉर्म में जो रहता है नोट्स में आपको उतना ही मिलता है, ठीक है ना। तो
ये छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, आप उसको चाहो तो पैरेलली नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा तो देखो, हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की या लॉस्ट वैक्स की। तो हम लोगों ने पैटर्न मटेरियल के बारे में बात किया, जो कि वैक्स का होता है, ठीक है ना। और ये वैक्स क्या होता है, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब रिमूव मैनुअली नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इसको हम लोग हीट अप कर देते हैं, और जब ये सफिशियंट टेम्परेचर तक हीट अप हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड फॉर्म में इसको हम लोग राइजर के थ्रू रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके स्टेप की बात हम लोग करें सबसे पहले, तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हम लोग इसको यूज किस लिए करते हैं, देखो, टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रिक्वायर प्रिसीजन वर्किंग आर मेड बाई दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग किस किस तरीके के लिए यूज करते हैं, मेनली जब हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करना होता है, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, और हम लोगों को प्रिसीजन वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को। देखो, जो अप्लीकेशन है, इसके अगर अप्लीकेशन की बात किया जाए तो जितने भी हमारे प्रिसीजन ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक गैस टर्बाइन ब्लेड्स, एयरक्राफ्ट जेट इंजन पार्ट्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स लाइक नी हिप जॉइंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मिलिट्री प्रोडक्ट्स, तो इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हम लोगों का पैटर्न होता है उसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई, ठीक है ना। तो देखो, उसको हम लोगों ने सबसे पहले इसमें इसने क्या किया है, स्टेप वन में देखो, मैं डायरेक्टली यहां से इस बार पढ़ता भी चलता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पैटर्न मेकिंग, ठीक है ना। पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्स मटेरियल, ये पहली चीज क्लियर हुई। इसके बाद इस वैक्स मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं कि एक स्लरी मटेरियल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिलिका वाटर एथाइल सिलिकेट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं उसमें, ठीक है ना। देखो, देन इट इज डिप्ड into the slurry material which is made by fine grain ceramic particles to produce ceramic cell onto the pattern, जैसे उस वाले प्रोसेस में हम लोग कर रहे थे कि एक sufficient thickness की हम लोग सेल को डेवलप कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अरे बाकी टर्बाइन ब्लेड्स को भी बनाते हैं, या कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है एलन और पंकज, आप बोल रहे हो अदर टर्बाइन ब्लेड्स को भी डिजाइन करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और तो देखो, इस तरीके कई हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये हमारा ये जो हुआ पैटर्न बॉक्स, ये फर्स्ट स्टेप में जो लिखा है, इस पैटर्न बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड शेप का होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं पैटर्न को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो ये पैटर्न बनते हैं उसको देखो, एक ट्री फॉर्मेट में इसने क्या किया हुआ है कि एक अलग असेंबली बनाई हुई है जिसमें कि बहुत सारे ये वैक्स के पैटर्न इसने क्या किए हैं, असेंबल कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि देखो, इसके चारों तरफ हम लोगों ने इस स्लरी की कोटिंग बनाई है, और जब ये स्लरी की कोटिंग एक सफिशियंट थिकनेस की हम लोगों को मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिर हीट अप कर देते हैं, ठीक है ना। स्टेप नंबर सिक्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट अप कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि ये इसके अंदर की जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है, और उसको जब मेल्ट हो जाती है तो उसको हम लोग राइजर के रास्ते बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही इसको राइजर के रास्ते बाहर निकाले तो देखो, इस शेप का एक हम लोगों को कैविटी मिल जाती है अंदर। और इसके बाद देखो क्या किया हुआ है कि ये देखो, इसमें लिखा हुआ है सेवेंथ स्टेप में, पैटर्न मेल्ट आउट, और इसको इसने नीचे के रास्ते से इसने क्या किया है, बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद उसने क्या किया, इसको रिमूव करने के बाद उस कैविटी में इसने देखो क्या किया है कि स्टेप नंबर एट में मोल्टन मेटल को इसने पुअर किया, और जैसे ही मोल्टन मेटल को पुअर किया है तो इस कैविटी के अंदर अरे एलन, जैसे ही वो मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद उस राइजर के रास्ते हम लोगों ने उसको बाहर निकाला ना, ये देखो, ये बह के नीचे से बाहर आ रहा है,
ये देखो नीचे साइड से उसने बह के बाहर निकाल लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया इसने कि फिर इसको अलग करके इस पूरे स्टैंड से उसमें उसने लिक्विड मेटल को पुअर किया, और फिर लिक्विड मेटल को जब पुअर किया और इसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो फिर इसको उसने क्या किया, उस सेल को उसने ब्रेक करके फिर वो कास्टिंग उसने अलग करके निकाल दिया, राइट। इस तरीके से देखो 6 कास्टिंग हम लोगों को एक साथ मिल गया, ठीक है। वह फिगर इसीलिए अच्छा से अच्छा फिगर, बिल्कुल सिलिका वाटर एथाइल सिलिकेट ये सब बॉन्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, इस तरीके की हम लोग सेल को बनाते हैं, ठीक है ना, कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाए। और इतनी थिकनेस हम लोग रखते हैं उस सेल की कि वो पता चले कि लिक्विड मेटल का वजन हम लोगों का सह पाए, ठीक है ना, कि वो ब्रेक आउट ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एलन, अगर हम लोगों को कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना है कम रखेंगे, अब बहुत भारी ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई जैसे टर्बाइन ब्लेड ही बनाना है, एयरक्राफ्ट इंजन के पार्ट्स बनाने, तो वो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर बहुत हैवी साइज का बनाना है तो उसकी साइज को हम लोगों को मोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें जो स्टेप्स हैं, दो स्टेप मैंने टिक किया हुआ है, बाई हीटिंग पैटर्न विल बी कन्वर्टेड इंटू लिक्विड वैक्स एंड इट विल बी रिमूव फ्रॉम द सेल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड कैविटी, लास्टली लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी एंड अलाउड इट टू सॉलिडिफाई, ठीक है ना, टू मिनिमाइज द गैस डिफेक्ट। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और था, समटाइम्स इसको हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम में इस पूरी मेथड को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि क्या हो, किसी तरीके की गैस डिफेक्ट्स प्रोड्यूस ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फुल मोल्डिंग प्रोसेस की। देखो फुल मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है ना। फुल मोल्डिंग प्रोसेस बेसिकली हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, फुल मोल्डिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि हमारा पैटर्न मटेरियल कैसा होता है, पैटर्न मटेरियल कैसा होता है, प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं, है ना। और भी कौन सी प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं, पॉलीस्टाइरिन, अच्छा इसके अलावा और क्या यूज करते हैं, पॉली यूरेथिन फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, पीवीसी, एपॉक्सी, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्लास्टिक मटेरियल के, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद जो हमारा मोल्डिंग मटेरियल होता है वो किस चीज का होता है, वो पीओपी का होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। और इसी को हम लोग और अलग क्या बोलते हैं, मैंने बताया हुआ था जिप्सम भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कभी अलग अलग लैंग्वेज से ये पूछ नहीं ले। अच्छा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर मैंने बताया था कुछ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारा मोल्डिंग मटेरियल होता है, क्लियर। और क्या है, क्योंकि इसका 1000 डिग्री मेल्टिंग मटेरियल होता है, वो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको हम लोग किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो जैसे फिटिंग्स हो गई, लॉक कंपोनेंट हो गए, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक का हम लोग सबसे पहले क्या बताते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग मैनुअली रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि
नहीं, इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग लास्ट वाले इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग में कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे इस फिगर में इसने क्या किया हुआ है, बहुत सारे ये प्लास्टिक के अलग अलग पैटर्न्स को एक स्टैंड के थ्रू सेट करके इसने क्या किया, कैविटी के अंदर इसने मोल्ड कैविटी के अंदर इसको रख लिया है, ठीक है ना। फिर जैसे ही लिक्विड मेटल इसमें पुअर करते हैं तो क्या होता है कि ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, ये वेपराइज होके क्या होता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इन गैसेस को रिमूव कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोगों का क्या होता है कि जो कैविटी बनती है उसमें हम लोग लिक्विड मेटल को पोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। देखो द इवोपरेटिव, इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, फुल मोल्डिंग, लास्ट लॉस्ट फोम प्रोसेस और इवोपरेटिव पैटर्न प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पैटर्न को क्या कर रहे हैं, इवोपरेट कर रहे हैं। देखो द इवोपरेटिव पैटर्न कास्टिंग प्रोसेस यूजेस अ पॉलीस्टायरीन पैटर्न विच इवोपरेट्स अपॉन कॉन्टैक्ट विद मोल्टेन मेटल टू फॉर्म अ कैविटी फॉर द कास्टिंग। इट हैज बिकम वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट कास्टिंग प्रोसेस फॉर नॉन फेरस मटेरियल, पर्टिकुलरली फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह के बने होते हैं, है ना। तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, नॉन फेरस मटेरियल्स के प्रोडक्ट इसके हेल्प से हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि तो क्या होता है, उन सबका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो लेस देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। पैटर्न मटेरियल हम लोग ने बात किया, पॉलीस्टायरीन, पॉलीयूरेथीन, पीवीसी, एपॉक्सी का यूज किया जाता है। मोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दिस प्रोसेस लिक्विड मेटल इज डायरेक्टली अलाउड ऑन टू द मोल्ड कैविटी। पैटर्न विल एवोपरेट ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। इवोपरेटेड गैसेज आर रिलीज थ्रू द राइजर, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस्ड कास्टिंग विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल ओनली, ठीक है। तो समझ में आया ये प्रोसेस कैसी होती है। अभी ठीक है, तो क्लियर हुई बात। बस आप लोगों को कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जो कि आप लोगों को याद रखने होंगे, जो पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूं। अगर आप लोग इतने पॉइंट्स याद रखोगे तो आपके कभी भी क्वेश्चन इन पॉइंट्स से बाहर नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको ज्यादातर थ्योरी को मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ में लिखने के बजाय पॉइंट्स में लिखा है, जिससे आप लोगों को याद करना आसान रहे, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे अलग से भी लिख रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये मोटी मोटी पॉइंट्स आप लोग याद कर लो। और आपको ये पूरी प्रोसेस, तो देखो ऐसा है कि प्रोसेस वैसे ही याद हो जाने वाली है ना। लॉस्ट फोम प्रोसेस है, इवोपरेटिव पैटर्न है, अगर इसका आप नाम भी याद रख लिए इवोपरेटिव पैटर्न, तो आपको खुद ही याद आ जाने वाला है कि अच्छा इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। इस वाले में लॉस्ट वैक्स मेथड में क्या है कि वैक्स थी जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी और उसको हम लोग एक रास्ते से रिमूव कर रहे थे, है ना। इसी तरीके से सेल मोल्डिंग में, सेल मोल्डिंग की थोड़ा सा स्टेप एक दो बार आप देख लोगे तो उसके भी स्टेप्स याद हो सकते हैं, है ना। उसको सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, हीट करने के बाद जो भी एक सेल बन रहा है उस सेल को हम लोग फिर रिमूव करके उससे एक हम लोग अलग पूरा का पूरा कैविटी, मोल्ड कैविटी बना रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल एक देखो मोटा मोटा प्रोसेस तो वही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हो रहे हैं, कुछ पैटर्न मटेरियल में चेंजेस हो रहा है और मोल्डिंग मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है। तो ये सब चीजें पर हम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अप्लीकेशन सभी के याद रखने। अच्छा, स्पेशली मैं बता रहा हूँ जो भी हमारे इसके एप्लीकेशन हैं, किस वाले के, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के, उसके एप्लीकेशन तो आप बिल्कुल रट ही लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसके कई बार पूछता है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं CO2 मोल्डिंग के। वो CO2 मोल्डिंग बेसिकली क्या होता है कि ये वैसे तो ये एक सैंड मोल्डिंग प्रोसेस ही है, ठीक है ना, सैंड मोल्डिंग प्रोसेस ही है। बस इसमें कुछ चेंजेस हम लोग क्या करते हैं, देखो कि हम लोग इसमें एक दो मटेरियल एक्स्ट्रा इसमें मिक्सअप कर देते हैं। क्या क्या मिक्सअप करते हैं, सबसे पहले तो सैंड में हम लोग सोडियम सिलिकेट को मिक्स कर देते हैं। किसको, सोडियम सिलिकेट को। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, Na2SiO3, ठीक है ना। ये सोडियम सिलिकेट क्या करता है, देखो सोडियम सिलिकेट
पहली चीज तो ये हो गई। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर हो गया सैंड का और सोडियम सिलिकेट का, इसमें हम लोग CO2 गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं। किस गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं? CO2 गैस को। तो जब ये सोडियम सिलिकेट जो कि हमारा Na2SiO3 है, जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये सिलिका जेल बनाता है, ठीक है, सिलिका जेल जो कि SiO2 होता है इसका प्लस Na2CO3, ये बेसिकली रिएक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं सैंड और सोडियम सिलिकेट का जो मिक्सचर है उसमें जब हम लोग CO2 गैस को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो सिलिका जेल है, जो ये सिलिका जेल है, ये बेसिकली क्या काम करता है? सिलिका जेल ये बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। क्या करता है? ये हमारे जो भी मोल्ड कैविटी है उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। और हम लोगों को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, तो ये जब बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज होगी हमारे मोल्ड कैविटी की, है ना। और जब हमारे मोल्ड कैविटी की वो इंक्रीज होगी स्ट्रेंथ और हार्डनेस, तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं कि उतने टाइम के लिए CO2 गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखो क्या होता है, एक मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करती है विद दी CO2 गैसियस टाइम, ठीक है ना, कि जितने टाइम के लिए हम लोग CO2 गैस को इंक्रीज करते वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का प्लॉट मिलता है, ये किसके किसके बीच में बन रहा है, ये हमारा बन रहा है स्ट्रेंथ और CO2 गैसिंग टाइम को। CO2 गैसिंग टाइम क्या हुआ, मतलब कि कितने टाइम के लिए हम लोग CO2 गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन अवर मोल्ड कैविटी, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस आपको समझ में आई, जैसे आप इस फिगर में देख भी सकते हो, बाकी तो हमारा पूरा का पूरा मोल्डिंग वैसे ही बनी हुई है जैसे कि नॉर्मली हम लोग सैंड कास्टिंग में बनाते हैं। ओनली हम लोग जो इसमें डिफरेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोडियम सिलिकेट को ऐड कर रहे हैं पहली चीज तो इस मोल्डिंग सैंड के साथ, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं CO2 गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिलिका जेल को बना रहा है। और सिलिका जेल को बनाने के बाद क्या हो रहा है, ये सिलिका जेल किस काम में आ रही है, टू इंक्रीज दी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी सो एज वी कैन इंक्रीज दी हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ दी मोल्ड कैविटी, क्लियर। अच्छा, ये कितने टाइम के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं CO2 को, ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ हम लोगों को चाहिए इन अवर मोल्ड कैविटी, ठीक है। और चलो सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, देखो उसके एप्लीकेशंस भी वही होते हैं एप्लीकेशन जो कि हम लोग सैंड मोल्डिंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। जस्ट दैट हम लोग थोड़ा हैवी कास्टिंग्स को इससे हम लोग बना सकते हैं और लार्ज साइज की कास्टिंग को, ठीक है ना, क्योंकि इससे हम इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं स्ट्रेंथ को और हार्डनेस को अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। चलो ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। अभी देखो हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ जो इंपॉर्टेंट टाइप्स की एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग थी, सैंड कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग और CO2 कास्टिंग, सभी के सभी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल। अब हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग की, ठीक है। तो देखो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, इसमें कौन कौन से टाइप की हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल,
और जो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल में कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो तीन मेथड बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल में। पहली मेथड हम लोग पढ़ेंगे ट्रू सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड कौन सी होती, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूजिंग। सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग बेसिक जो प्रिंसिपल होता है इन तीनों टाइप ऑफ कास्टिंग में, इन ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूजिंग, इन सभी में बेसिक प्रिंसिपल तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है। जो कि क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को काफी स्पीड से रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, उस बॉडी को अपने एक्सिस से दूर की तरफ उसको क्या करता है, फेंकता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो यही होगी, लेकिन क्या होता है मेथड्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, मशीन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, हमारे एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या क्या होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया एलन, मैं तो पूरा बताने ही वाला हूं आपको, ठीक है, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। देखो सबसे पहली मेथड ट्रू सेंट्रीफ्यूगल मेथड है। ट्रू सेंट्रीफ्यूगल मेथड में क्या होता है, बेसिकली ये हॉलो कास्टिंग्स को बनाने में यूज की जाती है। किस टाइप ऑफ कास्टिंग को बनाने में यूज किया जाता है, हॉलो कास्टिंग। हॉलो कास्टिंग एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा होगा यहाँ पे, हाँ ये लिखा होगा, देखो जैसे हो गया हमारा हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप्स, गन बैरल, बीयरिंग बुसेस, राइट, पिस्टन रिंग्स, क्लच प्लेट, सिलेंड्रिकल लाइनर्स और हॉलो प्रोपेलर शाफ्ट। तो ये देखो ये ज्यादातर आपको पाइप टाइप के ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे जो लंबे साइज के होते होंगे, जो हॉलो होते हैं, है ना। उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को जब बनाना होता है तब हम लोग इस तरीके की कास्टिंग को यूज करते हैं, ठीक है। देखो आप क्या करते हैं बेसिकली हम लोग, कि ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये बेसिकली पूरा हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों की कैविटी है, ठीक है ना। कैविटी क्या बोलना चाहिए, हम लोगों को एक प्रकार से बोलना चाहिए मोल्ड है ये, ठीक है ना, और मोल्ड है। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग इस मोटर की हेल्प से काफी स्पीड से रोटेट करते हैं, हाँ। एलन एक क्वेश्चन आया हुआ था राइट, शायद 2020 में आया था, 2021 में आया था, किसी ईयर आया हुआ था, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा किस पे आया हुआ था, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया क्या बोल रहा था मैं। ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया था ना, चलो देखते हैं। हाँ मैं ये बता रहा था कि इस मोटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इस जो भी हमारा ये सिलेंड्रिकल कैविटी है इसको हम लोग क्या करते हैं, काफी स्पीड में रोटेट करते हैं, ठीक है ना। और जब इसको काफी स्पीड में हम लोग रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब इसको हम लोग काफी स्पीड में रोटेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा अंदर और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस फनल के थ्रू हम लोग मोल्टेन मेटल को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब मोल्टेन मेटल को हम लोग इससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, जब काफी तेजी से रोटेट करेगा, ठीक है ना, ये अलोंग इट्स सेंट्रल एक्सिस, तो क्या होगा कि ये मोल्टेन मेटल को अपने से दूर एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से दूर की तरफ फेंकेगा, मतलब बाहर की तरफ इसको ये क्या करेगा, थ्रो आउट करेगा। उससे क्या होगा कि जो भी हाई डेंसिटी का मटेरियल है वो क्या होगा, इस हमारे मोल्ड से आके चिपक जाएगा, ठीक है ना। और जब इससे मोल्ड से आके चिपक जाएगा तो हम लोगों की जो कास्टिंग बनेगी एक पाइप की तरीके की बन जाएगी, जैसे कि एक मिनट में इसका कलर चेंज कर दूं, जैसे कि हमें देखो ये दिख मिल रही है, ठीक है ना। और जो लो डेंसिटी का जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है कि सेंटर में आके इकट्ठा हो जाता है,
ठीक है ना, ज्यादातर वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज। वो सब क्या होते हैं कि सेंटर में आके इकट्ठे हो जाते हैं। जो हाई डेंसिटी मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है कि वो सेंटर से दूर की तरफ मोल्ड में जा करके वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है उससे, ठीक है ना। इस तरीके से जो हम लोगों को कास्टिंग मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रू सेंट्रीफ्यूगल मेथड होती है बेसिकली ये, ठीक है ना। और इससे हम लोग किस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हॉलो प्रोडक्ट्स को हम लोग जनरेट कर, ठीक है। देखो मैंने एक यहाँ फिगर बनाया था लेकिन ठीक से ये कॉपी हो ही नहीं पा रहा है। चलो मैं दोबारा बना लेता हूँ। देखो क्या था, देखो एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। इसका हम लोग जो न्यूमेरिक पोर्शन है वो हम लोग देखते हैं। ये एक हमारी मोल्ड कैविटी हो गई, ठीक है। देखो ये बेसिकली क्या है, देखो ये है बेसिकली एल लेंथ का हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के थ्रू बना रखा है। इसका इंटरनल डायमीटर D1 है, एक्सटर्नल डायमीटर D2 है, ठीक है ना। तो जो हमारा टोटल इसका वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और जो हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितना होता है, देखो वो होता है MA = MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और ये जो आर एम होता है बेसिकली, ये आर एम होता है हमारा। आर एम क्या होता है, आर एम इज द एवरेज मीन 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 रेडियस होती है, ठीक है ना। क्या है ये, मीन रेडियस है। बेसिकली इसी फॉर्मूले का यूज करके आप लोगों को निकालना था, कुछ ऐसा ही पूछा हुआ था शायद। क्वेश्चन है क्या एलन अभी वो वाला आपके पास, वरना मैं कल ढूंढ के ले आऊंगा वो क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो ए होता है ये क्या हो जाता है हमारा, आर एम 2π n डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आर एम होता है ये क्या होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के। शायद इसी किसी बेस्ड इसी किसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। शायद आर एम की एन की वैल्यू, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद एन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा हुआ था और बाकी वैल्यूज दिया हुआ था, है ना। मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, पर मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। चलो कल मैं ले आऊंगा तो फिर कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, मेथड तो आप लोगों को समझ में आ गए ना ट्रू सेंट्रीफ्यूगल की। देखो क्या ठीक है, अरे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है आपने एलन, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है।
एमआर ओमेगा स्क्वायर होता तो है सेंट्रीफ्यूगल का, आपने उसमें पढ़ा होगा क्या, मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, और इसके अलावा टोम में पढ़ा होगा, है ना। बेसिकली एम तो यही हो गया, ए की वैल्यू होती है आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। वेट, अरे वेट की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं एलन, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं। और वैसे भी वेट भी क्या न्यूटन ही ना होता है, ठीक है ना। देखो इसकी प्रोसेस को देखो, टू प्रोड्यूस हॉलो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग कोर, दिस टेक्निक कैन बी यूज, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को हॉलो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए कोर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इन दिस मेथड लिक्विड मेटल इज अलाउड टू रोटेट इनटू द मोल्ड अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज द लिक्विड मेटल टू फ्लो अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट विल सर्कुलेट यूनिफॉर्मली एट द इंटरनल सर्फेस ऑफ द डाई, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस लेस डेंसिटी इम्प्योरिटी विल बी कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द डाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेक्स द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हाई इन द हॉलो पार्ट्स विद गुड सर्फेस फिनिश ड्यू टू फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा इसका जो कास्टिंग यील्ड होता है देखो वो 100% होता है, ठीक है। इसका जो कास्टिंग यील्ड होता है वो कैसा होता है, 100% होता है। ये था हमारा टू ट्रू सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस की। देखो सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि इसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है मोल्ड का वो वैसा ही होता है जैसे सैंड कास्टिंग में होता है, ठीक है ना। जैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सैंड कास्टिंग की तरह होता है। देखो पूरिंग बेसिन है, स्प्रू है, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मोल्ड कैविटी में मेटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में काफी तेजी से रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग काफी तेजी से इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जो भी कैविटी होती है उसके चारों तरफ ये क्या चला जाता है, सेंटर से भाग करके क्या करता है, ये किनारे किनारे ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है वो कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, पुली का हो गया। पुली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, व्हील के समय का आप समझ लो, जैसा व्हील का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा होता है ना। तो इस टाइप को भी क्या, देखो ये इसका टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू इसको समझो आप, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी सेंट्रल एक्सिस, ठीक है ना। क्या होगा जब इसको सेंट्रल एक्सिस की तरह हिसाब से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सेंटर से मटेरियल भाग के कहाँ चला जाएगा, इस किनारे में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, जैसा व्हील का हो गया, फ्लाई व्हील का हो गया। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो मिलता है उसको हम लोग किस टाइप, किससे बनाते हैं, सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू के कारण तो ये हम लोगों को सामने से तो भरा ही दिखेगा, लेकिन जब टॉप व्यू से देखते हैं तब हम लोगों को बीच में क्या दिखता है कि हॉलो पोर्शन दिखता है, किनारे किनारे उसके मेटल दिखता है ना। तो ये बेसिकली इस टाइप की कास्टिंग हम लोगों की बनती है इन दी सेमी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ठीक है ना। समझ में आया, एप्लीकेशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें हम लोग करते क्या है कि देखो
molten metal molten material for the metal casting is poured into the pouring basin and is distributed through the central central sprue to the area of the mold. ठीक है ना? तो जैसा मैं पहले बताया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो पुली का बाकी पोर्शन को ज्वाइन करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं एलन, इस टाइप से गेटिंग सिस्टम इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं, है ना? इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है जिसके अंदर वो मेटल चला जाता है, ठीक है ना, वो रहता है अंदर. देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोल्टन मेटल फॉर द मेटल कास्टिंग इज पोर्ड इन टू द पोरिंग बेसिन. फिर वो पोरिंग बेसिन से क्या होता है, सेंट्रल स्प्रू के थ्रू क्या चला जाता है, मोल्ड में चला जाता है, ठीक है ना. द फोर्स जनरेटेड बाई रोटेशन ऑफ द मोल्ड इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोल्टन मटेरियल टू ऑल द रीजन ऑफ द कास्टिंग, ठीक है ना. जो हमारा सेंट्रल रोटेशनल फोर्स होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वो क्या करता है कि इसको चारों तरफ उसके क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कैविटी में. एज द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई इन द रोटेटिंग मोल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्स्टेंटली पुश द मटेरियल आउट ऑफ द सेंटर सेंट्रल स्प्रू, ठीक है ना, और राइजर से, ठीक है ना. दिस मटेरियल एक्ट टू फिल द वैकेंसीज एज दे फॉर्म, ठीक है ना. फिर ये क्या होता है, ये मटेरियल क्या करता है कि जैसी वैकेंसीज बनती हैं उसको फिल करता रहता है राइजर का जो मटेरियल होता है. दिस अवॉइड्स द सिंकेज एरिया, मतलब ये जो राइजर लिखा हुआ है, ये राइजर बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर कोई मेटल का सिंकेज हुआ तो उसको वो क्या करता है, सेंटर से उसको भेजता रहता है, ठीक है ना. इसके बाद क्या है, व्हेन द मेटल कास्टिंग सॉलिडिफाई द आउटर रीजन ऑफ द कास्ट पार्ट फॉर्म्स द डेंस मटेरियल, है ना. जब सॉलिडिफाई हो जाता है जो आउटर रीजन है वो क्या होता है, डेंस मटेरियल का बन जाता है, ठीक है ना. द ग्रेटर द फोर्स अंडर विच द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई द डेंसर द मटेरियल इन दैट रीजन, मतलब जितना अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना ही डेंस का हमारा क्या होगा, मटेरियल बनेगा आउटर रीजन में. सो द डेंसिटी ऑफ द कास्ट पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विल बी इंक्रीजेस एज यू ट्रेवल रेडिली फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं अपने कास्टिंग में, मतलब जैसे हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है ना. देखो आप टायर वगैरह में भी देखो तो हम लोग को ज्यादा डेंसिटी बाहर के ही उसके सरफेस में रिक्वायर्ड होती है, है ना. अच्छा, इसकी जो कास्टिंग यील्ड होती है वो लेस होती है इन कंपैरिजन टू ट्रू सेंट्रीफ्यूगल. क्यों कम होती है, क्या बताओगे मुझे अपनी समझ से, जितना अभी तक कास्टिंग के बारे में तुम लोगों ने समझा, इस फिगर को देख के बताओ क्यों इसकी कास्टिंग यील्ड तो मालूम है ना कि जितना मेटल हमारा इसके अंदर कैविटी के अंदर इंटर करता है, जितना मेटल उसके अंदर हम लोग पूरे मोल्ड में इंटर करते हैं, दोनों का रेशियो होता है. तो बता सकते हो इसका कास्टिंग यील्ड क्यों लेस होता है, कोई भी दिशांत इस समय क्लास नहीं ले रहा, उसको क्लास समझ में नहीं आता क्या, मुझे लगता है डाउट रहता है तो पूछा करे क्लास में, ऐसा थोड़ी ना कि मैं डाउट क्लियर नहीं करता, या मैं भी बाद में देखता होगा. देखो इसका कास्टिंग यील्ड लेस इसलिए होता है क्योंकि कुछ मटेरियल क्या रहता है कि हमारा स्प्रू में रह जाता है, कुछ पूरिंग बेसिन में रह जाता है, जबकि लास्ट वाले में क्या था कि पूरा का पूरा मटेरियल देखो डायरेक्ट हमारा कैविटी के अंदर इंटर कर रहा था, है ना. इस वाला में पूरा मटेरियल हमारा कैविटी के अंदर इंटर नहीं करता, इसलिए हमारा कास्टिंग यील्ड क्या होता है, लेस होता है. ओके, विशांत की शादी है. देखो अभी हम लोगों ने दो टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, किसके किसके बारे में डिस्कस कर लिया, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल और
सेमी सेंट्रीफ्यूगल। अभी हम लोग लास्ट बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूजिंग की। देखो ये भी काफी हद तक तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल की तरह ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे अभी लास्ट वाले में हम लोग कैसा पुली या व्हील टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग बनाते हैं वो कैसे होते हैं कि वो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और वो कैविटी के अंदर प्लेस्ड भी कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते होगे, ये टॉप व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। तो देखो टॉप व्यू में आप देखो कि किस तरीके से सेंट्रल के अलावा कोई भी हमारी कैविटी नहीं है, इसमें हमारी कैविटीज कैसे रेंडमली ओरिएंटेड है ना, और ये सेंटर से जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैटर इसमें क्या होता है, सेंटर से कैसे जुड़ी रहती है, गेटिंग सिस्टम के थ्रू जुड़ी रहती है, और बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा ये है राउंड शेप का, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब हम लोगों को बहुत सारे मोल्ड की रिक्वायर, वो बहुत सारे कास्टिंग्स हम लोग बनाते हैं एक साथ, जब हम लोग बहुत सारी कास्टिंग्स बनाते हैं एक साथ जो कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है ना, तब हम लोग उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी देखो सेम ही है, इसको हम लोग क्या करेंगे इस वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जैसे लास्ट वाले को रोटेट कर रहे थे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो भी स्प्रू से हमारा मैटर यहाँ इंटर करेगा सेंटर में, वो क्या करेगा इन मोल्ड कैविटीज में इंटर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो बेसिक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अप्लीकेशंस के बारे में मैं इसके अगर आपको बताऊं तो देखो अप्लीकेशन हम लोगों को, अगर ये जो वैक्स पैटर्न बनाते हैं ना, वैक्स का जो पैटर्न बनाते हैं फॉर दी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वो हम लोग इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है ना। वैक्स को हम लोग क्या करें, यहां से इंटर करें और फिर उसको हम लोग क्या करें, काफी तेजी से रोटेट कर दें, जिससे कि वो वैक्स क्या हो, बाहर की तरफ मूव करेगी, तो इस तरीके के छोटे छोटे हम लोगों को पैटर्न बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। और प्रोसेस की अगर बात करूं, देखो क्या होता है एलन, बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है इन सब में, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़ी थ्योरी इसकी पढ़ देता हूं, तो अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो हो जाएगा। टू प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैविटीज इज प्रिपेयर्ड ऑन द डाई अलोंग विद गेटिंग एलिमेंट, लिक्विड मेटल विल इंटर इनटू द कैविटी थ्रू द रनर विद नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग यील्ड वेरी लेस, ठीक है ना, कास्टिंग यील्ड विल बी वेरी लेस। हाँ कास्टिंग यील्ड छूट गया था, इसमें क्या होता है कास्टिंग यील्ड काफी लेस होता है क्योंकि गेटिंग एलिमेंट वगैरह इसमें काफी बढ़ जाता है ना, तो इस वजह से इसका कास्टिंग यील्ड काफी लेस होता है इन कंपैरिजन टू अदर टू सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, ठीक है ना। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मोल्ड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट कॉइंसाइड, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया हम लोगों का सेंट्रीफ्यूजिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाई कास्टिंग के। देखो ठीक है, अभी हम लोगों की तीन मेथड और बची हैं, डाई कास्टिंग, स्लस कास्टिंग और कास्टिंग यील्ड। बेसिकली क्या होता है एलन, कास्टिंग यील्ड क्या होता है कि कितना मेटल हमारा कैविटी के अंदर इंटर किया, अब टोटल कितना मेटल हम लोगों ने मोल्ड के अंदर डाला उसका रेशियो होता है। तो देखो इसमें वेस्टेज ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूजिंग में, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू अदर टू प्रोसेसेस। क्या होता है हमारी गेटिंग सिस्टम भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, रनर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, स्प्रू हो गया, बेसिन हो गया,
ठीक है ना, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हम लोगों का यील्ड क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, बेसिकली ये परसेंटेज ऑफ मटेरियल दैट एक्चुअली इसको हम लोग ये बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ यूजफुल मटेरियल। यूजफुल मटेरियल क्या होगा, जितना मटेरियल से हमारा कैविटी बनेगा वही यूजफुल मटेरियल होगा ना, बाकी सब तो वेस्टेज हो गया, तो बेसिकली वो होता है। ठीक है ना। अच्छा अभी हम लोगों को तीन और पढ़ने हैं। ठीक है ना, डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग में हम लोग तीन मेथड पढ़ने वाले। डाई में हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे। देखो पहली हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी डाई कास्टिंग, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉट चेंबर, थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्ड चेंबर। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, कंटिन्यूअसली आज मैं बोलता ही रह गया, क्यों आज ब्रेक हुआ ही नहीं? न्यूमेरिकल वाले में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है तो गाड़ी खिंच जाती है लंबी। चलो फिर भी करना तो है ही। ठीक है, देखो देखो जो डाई कास्टिंग होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि तीन टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर। तो जो ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है उसमें क्या होता है, देखो कि जो लिक्विड मेटल होता है वो कैसे फ्लो करता है। एक मिनट, फिगर को थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। देखो इसमें लिक्विड मेटल क्या होता है, अरे लिक्विड मेटल जो होता है वो क्या होता है कि पोरिंग बेसिन के थ्रू इंटर करता है इनटू द मोल्ड कैविटी। ठीक है ना, और ये जो लिक्विड मेटल इंटर करता है बेसिकली वो इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर प्रोसेस होती है ये होती है प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है ना, प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है ना, इस तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर के थ्रू कास्टिंग मटेरियल को इंटर कराते हैं इनटू द मोल्ड कैविटी टू गेट द हाई डेंसिटी मटेरियल। ठीक है ना, बट इसमें क्या होता है जो मटेरियल हमारा इंटर करता है वो इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी डाई कास्टिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ? और इसके अलावा और क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोग यूज करते हैं, देखो ये हम लोग जो मटेरियल हम लोग इसमें मैन्युफैक्चर करते हैं वो हम लोग इसमें यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है नीचे देखो, कॉपर बेस एलॉयस को हम लोग मैन्युफैक्चर इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एलॉयस एंड अदर लाइक जिंक कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ठीक है ना, तो इन सब मेटल्स की प्रोसेसिंग हम लोग इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो जैसे पिस्टन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्मॉल साइज मशीन ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम लोग बनाते हैं इस
डाई कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो, जो हमारा रफनेस होता है, रफनेस जो होता है वो होता है 0.8 to 1.6 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और जो सैंड कास्टिंग में रफनेस होता है वो होता है देखो 10 टू 12 माइक्रोमीटर। तो कितनी अच्छी हम लोगों को देखो सरफेस फिनिश मिल रही है इन कंपैरिजन टू सैंड कास्टिंग इन परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, स्पेशली इन डाई कास्टिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है ना। वी गेट गुड अमाउंट ऑफ सरफेस फिनिश, ठीक है ना। तो देखो थ्योरी तो हो गया इतनी ही थी इसमें कि लिक्विड मेटल कैन इंटर इनटू द कैविटी बाय मींस ऑफ ग्रेविटी फोर्स, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज एंड सिंपल शेप ऑब्जेक्ट विच आर मेड मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और अदर, ठीक है ना। तो ये हो गई हम लोगों की बेसिकली डाई कास्ट ग्रेविटी डाई कास्टिंग प्रोसेस। बाकी तो क्या है, देखो एक हम लोगों की डाई है जो कि रिक्वायर्ड शेप की है, ठीक है ना। और ये जो बीच में क्या है, कोर है टू प्रोड्यूस हॉलो कास्टिंग इफ वी रिक्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग की बात करें, तो प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होता है, देखो दो तरीके की होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को फोर्स से क्या करते हैं, पुश करते हैं, जिससे कि लिक्विड मेटल क्या करता है, इंटर करता है इन अवर चेंबर, ठीक है ना, कास्टिंग चेंबर। तो देखो दो तरीके की होती है, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग और कोल्ड चेंबर डाई कास्टिंग। इन दोनों मेथड में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। देखो क्या होता है कि जो हॉट चेंबर डाई कास्टिंग होती है उसमें जो फर्नेस होता है वो क्या रहता है, इंटीग्रल पार्ट होता है ऑफ दी मोल्ड कैविटी, ठीक है ना। ये जो मोल्ड कैविटी है और चेंबर है हमारा, उसी से हमारा क्या रहता है कि ये जो फर्नेस है ये हमारी जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। तो क्या होता है देखो कि ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर क्या हो गया, पिस्टन की तरह होता है, जो कि ये जो लिक्विड मेटल है उसको फोर्स करता है कि और उस फोर्स के थ्रू क्या होता है कि ये जो इस पाइप के थ्रू इस चेंबर में लिक्विड मेटल फोर्सफुली इंटर करता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा मोल्ड होता है, ये मोल्ड का एक पोर्शन हमारा मूवेबल होता है, एक पोर्शन हमारा फिक्स्ड होता है। देखो लिखा हुआ है फिक्स्ड डाई हाफ और मूवेबल डाई हाफ, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसके अलावा देखो इसका जो प्रोडक्शन रेट होता है काफी हाई होता है, प्रोडक्शन रेट इसका काफी हाई होता है, ये होता है अराउंड 150 to 200 कंपोनेंट्स, पर आर, ठीक है ना। इसके अलावा अच्छा, ये जो हॉट चेंबर कास्टिंग प्रोसेस होता है ये मेनली यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स कौन कौन से हो गए, जैसे लेड, टिन, जिंक, इस टाइप के मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है। इसलिए देखो हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ये जो गूस नेक है ना, ये क्या होता है कि जो अगर जैसे एल्युमिनियम वगैरह अगर हम लोग यूज करें, तो अगर एल्युमिनियम क्या होता है कि इससे चिपक जाता है, जब चिपक जाता है धीरे धीरे इसका रास्ता क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है ना। तो जब इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो लिक्विड मेटल क्या होता है, ठीक से इसमें पूर नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज नहीं करते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ कास्टिंग के लिए, ठीक है ना, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। लेकिन इसका पूरा अपोजिट
कैसा कौन होता है, कोल्ड चेंबर डाइकास्टिंग, ठीक है ना। कोल्ड चेंबर डाइकास्टिंग में क्या होता है कि हमारा फर्नेस अलग होता है और इस लेडले के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड मेटल को, यहाँ पे देखो जैसे ये इसमें गिरा रहा है, तो लिक्विड मेटल को हम लोग पुअर करते हैं इस विद द हेल्प ऑफ दिस लेडल, ठीक है ना। और हमारा जो मोल्ड जो फर्नेस होती है वो इससे बिल्कुल अलग होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है ना, कि फर्नेस उसमें इंटीग्रल पार्ट होती है, इसमें इंटीग्रल पार्ट नहीं होती है। क्लियर हुई बात। और इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। क्या बोल रहे हो एलन? हॉट चैम्बर पे मोल्टेन मेटल उसी में हम डालते हैं। हॉट चैम्बर में देखो क्या है कि नाम ही इसका बोल रहा है कि हमारा पूरा इसमें ये फर्नेस है, इंटीग्रल पार्ट है। फिर ये फर्नेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर से इसके अंदर हम लोग इंटर कराते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी देखो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है जो कि फोर्सफुली इसको यहां से धकेलता है, लेकिन फर्नेस क्या होती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, फर्नेस इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं इसको लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है। और बाकी जो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो कार्बोरेटर, वॉल्व बॉडीज, क्रैंक केस, फ्यूल इंजेक्शन पार्ट, स्मॉल साइज कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक्स, ठीक है ना, ये सब पार्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात, समझ में आया ना डाईकास्टिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, यार मैंने थर्मल से, मैंने और आपके हर सर दोनों जन ने थर्मल से हम लोगों ने एमटेक किया हुआ है, ठीक है ना। तो थर्मल हम लोगों का है काफी अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके अलावा मुझे डेफिनेटली प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा लगता है ना। प्रोडक्शन मटेरियल साइंस भी मुझे पसंद है और थर्मल भी है। थर्मल में, थर्मल तो वैसे भी हम लोग शुरू से पढ़ते रहते हैं, थर्मल में तो सभी का इंटरेस्ट रहता है ना। और हम लोगों ने जो एमटेक किया है वो बेसिकली हम लोगों ने किया हुआ है थर्मल के एप्लीकेशन पार्ट से, ठीक है ना। हीट पावर इंजीनियरिंग से किया है, तो हीट पावर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि उसका जो एप्लीकेशन पोर्शन हो गया, जैसे आईसी इंजन हो गया, एचसी लिख रहा हूँ, आईसी इंजन, प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन पावर प्लांट, पावर प्लांट हो गया, और कौन सा हो गया इससे मटेरियल आता है, एचएमटी हो गया, है ना। और तो ये सभी एफएम, ये सब हम लोगों ने काफी डीपली स्टडी कर रखा है, आरएसी, यस आरएसी, ठीक है ना। ठीक है यार, देखो सबका अपना अपना होता है करने का, है ना। तो देखो ठीक है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया, प्रेशर डाई कास्टिंग वगैरह। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। देखो अच्छा कोल्ड भी हम लोगों ने करी, स्लस कास्टिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्लस कास्टिंग देखो क्या होता है, बहुत अलग तरीके की कास्टिंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे एक ही कोई बाउल है देखो, ठीक है ना, ऐसे आप समझो बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं देखो कि इसमें जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, लिक्विड मेटल को इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है ना, लिक्विड मेटल को इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया। अब क्या करेंगे, उस लिक्विड मेटल को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जब एक ये सफिशियंट, और क्या होगा,
कि हीट का ट्रांसफर किधर होगा, देखो जिधर मेटल है ना उस तरफ से हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में सबसे पहले, तो क्या होगा इस डायरेक्शन में हमारा मोल्टन मेटल क्या होगा हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये मतलब क्या होगा वॉल से टूवर्ड्स इनसाइड क्या होगा मेटल हीट अप होना स्टार्ट होगा, क्लियर हुई बात। तो क्या होगा जब एक ये सफिशियंट थिकनेस तक ये क्या हो जाता है हम लोगों को मटेरियल हीट अप हो जाता है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग उल्टा देते हैं, तो जितना मटेरियल होता है हमारा बाकी क्या होता है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा मेटल सॉलिडिफाई नहीं हुआ रहता है। तो क्या होता है कि तो जो भी मटेरियल हमारा सॉलिडिफाई नहीं हुआ रहता है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोगों को एक इस शेप का कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके की हम लोग कास्टिंग बनाते हैं स्लस कास्टिंग। देखो इस फिगर में भी देख सकते हो कि वैसा ही कुछ कर रहा है कि बेसिकली ये लिक्विड मेटल को यहां से एंटर कर रहा है, फिर जब इसके बाद जब एक सफिशियंट थिकनेस उसकी वॉल में मिल गई है तो फिर इसको क्या कर रहा है कि थोड़ा सा टिल्ट करके बाकी जो रिमेनिंग अनसॉलिडिफाइड लिक्विड मेटल है उसको इसने क्या किया रिमूव कर दिया, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है देखो हम लोगों को इस टाइप का हॉलो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये हम लोग किस टाइप को देखो, जैसे हम लोग बहुत सारे लैंप सेट आपने देखा होगा है ना, कैसा शेप होता है लैंप सेट का, कुछ ऐसा शेप होता है ना, इस शेप का अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों को बनाना है तो वो शेप का ऑब्जेक्ट देखो हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। बहुत सारे टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, टॉयज हो गया, लैंप सेट्स हो गए हम लोगों के, और इसके अलावा हॉलो थिन कास्टिंग्स हो गई है ना, और स्टैचूज हो गए, और कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस सब चीजों से ऑर्नामेंट्स भी बहुत तरीके से, नहीं देखा होगा पतले पतले ऑर्नामेंट्स होते हैं आजकल, तो वो सब चीजें भी इस मेथड से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होती है स्लस कास्टिंग की, ठीक है ना। एक परमानेंट हमारा मोल्ड होता है उसके अंदर हम लोग लिक्विड मेटल को एंटर करते हैं, फिर इसके बाद उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, और इसमें हॉलो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कोर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और देखो अगर इसको हमको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, तो ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना उस सेंट्रल पोर्शन के रिस्पेक्ट में जो हमारी मोल्ड कैविटी होती है वो अलग हो जाती है, जैसे वो अलग हो जाएगी तो ये दो पार्ट बीच से हम उसको आराम से निकाल सकते हैं, है ना, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ेगा। अब लास्ट टाइप के जो कास्टिंग है हमारी वो है कंटिन्यूअस कास्टिंग। ठीक है, आप लोगों को समझ में आता है ना मेरी टीचिंग में, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। अगर कहीं कोई दिक्कत हुआ करें तो आप मुझे बता दिया करो तो मैं उस चीज को ठीक कर लूंगा, और न्यूमेरिकल वगैरह भी आप लोग सॉल्व करने की अपनी इंक्रीज करो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल ही अल्टीमेटली गेट का एग्जाम आपका निकलवाएगा, है ना, थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करोगे उतना हेल्पफुल होगा, और टाइम टाइम लिमिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना टाइम मतलब आप लोग क्या किया करो, हर सर आपको करवाते भी हैं, स्टॉप वॉच लगा के कोशिश किया करो आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और बाकी तो टेस्ट सीरीज है ही आप लोगों को तो मिल ही रही, ठीक है ना। और देखो ये जो कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस है ये बेसिकली क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लॉन्ग लेंथ के मेटेलिक द्वार्स हो गए है ना, रॉड हो गई, सीट्स हो गए, तो इस सब तरीके के मटेरियल्स जो होते हैं उन सबको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना।
प्रोसेस तो आपको देखो इस फिगर में देख के ही समझ में आ रही होगी। प्रोसेस तो देखो इस फिगर में ही देख के आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे मोल्टन मेटल है, ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है, ये एक डाई है जिसमें कि क्या हो रहा है कि इंटर कर रहा है, ठीक है ना। इस फिर इस डाई से क्या हो रहा है कि ये मोल्टन मेटल यहां से बाहर निकल रहा है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं स्प्रे की हेल्प से, देखो कि क्या होगा, ये हीटेड मोल्टन मेटल रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ठंडा करते हैं जिससे कि क्या हो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है ना। तो जब ये क्या होता है इसमें हम लोग स्प्रे कूलिंग के थ्रू सॉलिडिफाई करते हैं, तो कई बार इसमें क्या होता है कि हम लोगों को बाद में हीट ट्रीटमेंट वगैरह भी करना रहता है अगर हम लोगों को बाद में फर्दर कोई प्रोसेसिंग करनी है इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है फिर, तो ये बेसिकली प्रोसेस होती है इसकी। देखो टू प्रोड्यूस लॉन्ग लेंथ मेटेलिक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फ्रॉम द मोल्टन मेटल डायरेक्टली दिस टेक्निक कैन बी यूज हियर। लिक्विड मेटल इज स्टोर्ड इन द टैंक एंड इट विल बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द डाई ऑफ रिक्वायर्ड शेप कंटिन्यूअसली। द अपोजिट ऑफ द डाई इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑन टू विच वॉटर विल बी स्प्रेड। एक्चुअली वो यहाँ पे एक क्रस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि वॉटर को इसमें स्प्रे करते हैं, ठीक है ना, टू कूल दी मटेरियल एट फास्टर रेट विच इज नोन एज क्वेंचिंग, ठीक है ना। और इस ये जो कूलिंग प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्वेंचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रोडक्शन रेट वेरी हाई होता है। इन ऑर्डर टू वर्क फर्दर ऑन द कास्टिंग हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। अप्लीकेशन तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स थी, ठीक है। अब हम लोग अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। कल मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगा, कल हम लोग बात करेंगे कास्टिंग डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स की। कल हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और क्या बचा हुआ है, देखो कुछ फर्नेसेस होती हैं, ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है ना, फर्नेस के बारे में भी। बेसिकली हम लोग जो फर्नेस के बारे में, आज थोड़ा टाइम बचा हुआ है ना, तो फर्नेस के बारे में मैं तो आज ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखो जो हमारी फर्नेस होती है बेसिकली, फर्नेस जो होती है बेसिकली देखो जो भी हम लोग मटेरियल को बनाते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ थ्रू प्रोसेस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फर्नेस में, चार्ज को इंटर करते हैं, राइट। चार्ज को हम लोग इंटर करते हैं, राइट। और ये चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज होता है हमारा आयरन ओर, है ना, आयरन ओर होता है जो कि Fe2O3 एंड और Fe3O4, राइट। और इसके अलावा क्या होता है, कोक प्लस फ्लक्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं जैसे कि CaCO3, राइट, Na2CO3 और CaCl2। ये सब एजेंट्स होते हैं जो कि हम लोग को मेल्टिंग में काम आते हैं। अच्छा, इस चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में इंटर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में, और ये ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग इस सबको इंटर करते हैं
जो हम लोगों को फाइनल इससे ऑब्जेक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, पिग आयरन, ठीक है ना। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और ये पिग आयरन की फिर हम लोग फर्दर रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। रुक लो, वो सब मैं डिस्कस करता हूँ पंकज, अभी मैं एक थोड़ा सा आउटलाइन आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं फिगर वगैरह उसके सब लेके आऊंगा, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर ये जो पिग आयरन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें बेसिकली 3 to 4% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। फिर इसको हम लोग रिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो देखो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 फाइव टाइप्स ऑफ हम लोग फर्नेस का यूज करते हैं। फाइव टाइप्स ऑफ फर्नेस का हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी ये फाइव टाइप की हो गई? एक होती है हमारी पडलिंग फर्नेस, और ये जो पडलिंग फर्नेस से जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है रोट आयरन। रफ आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रफ आयरन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का होता है कपोला फर्नेस। कपोला फर्नेस से जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो मिलता है कास्ट आयरन, ठीक है। इसके बाद होता है हम लोगों का ओपन हर्थ, और इससे जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिलता है वो मिलता है स्टील, बेसेमा कन्वर्टर। इससे जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो भी मिलता है स्टील, और इलेक्ट्रिकल फर्नेस जिसको इंडक्शन फर्नेस भी हम लोग बोलते हैं। उससे हम लोगों को मिलता है स्टील, ठीक है ना। तो ये तीन हम लोगों की फर्नेस होती है जिससे कि हम लोगों को स्टील मिलता है, ठीक है। पडलिंग फर्नेस लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये पेन टैब से लिखना बिना आसान नहीं होता। पडलिंग फर्नेस, ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ होती हैं अलग अलग टाइप।
जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है इनसाइड ऑफ फर्नेस वो होती है Fe2O3 प्लस बेसेमा कन्वर्टर, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो राइटिंग इस टाइप की आती है ना, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, ये पेन टैप के कारण इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इस पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, 2 Fe plus 3 CO2 ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है, बेसेमा कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली टेक प्लेस करती है इनसाइड ऑफ फर्नेस। चलो बाकी कल हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ पंकज, कई बार इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एक आपको मैं बताता हूँ, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है पता है कौन सा होता है? एरमैको आयरन बोलते हैं, ठीक है, एरमैको आयरन। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसमें अराउंड 98% आयरन होता है, और इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं टर्बाइन ब्लेड्स वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आउटलाइन था, बाकी कल हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कल हम लोग ये चैप्टर फाइनल कर देंगे, परसों से फिर हम लोग मेटल कटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।